अब बारी आती है सिंचाई की। हाइड्रोपोनिक्स चारा मशीन या तापमान नियंत्रण कक्ष के अंदर नियमित रूप से सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम प्रत्येक लाइन में लगी हुई ट्रे के ऊपरी भाग में लगे होते हैं, जो कक्ष की बाहर की ओर पानी की टंकी में जुड़े होते हैं। आमतौर पर 3 घंटे के अंतराल पर 30 से 35 सेकेंड तक प्रतिदिन सिंचाई की जानी चाहिए, जिससे पौधों की वृद्धि लगातार होती रहे। नियंत्रण कक्ष के अंदर नियमित रूप से सिंचाई करते रहने से ट्रे मशीन में फीडिंग कम करने से लगभग 8 से 10 दिनों के बाद फसल को ट्रे के साथ हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इस अवधि तक मक्का के लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर और अन्य फसल की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में इस पद्धति को 1.25 किलोग्राम मक्का के अंकुरित बीजों से लगभग 7.5 से 9.5 किलोग्राम हरा चारा और अन्य फसलों के 800 ग्राम बीज से लगभग 6 से 7.5 किलोग्राम हरा चारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक से लगभग 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 6 से 8 पशुओं का हरा चारा प्रतिदिन उत्पादन किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप हरा चारा उत्पादन कर कम भूमि, कम समय, कम श्रम, कम पानी और वर्ष भर हरा चारा अपनी जरूरत या पूंजी के आधार पर किसी भी मौसम में उत्पादन कर सकते हैं।